पाकिस्तान की अफवाज समेत सिक्योरिटी के तमाम इदारों के शहदा का वतन अजीज पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए किरदार नाकाबिले फरामोश है। शहदा के वरासा का कहना है कि 25 मई यौमे तकरीम शहदा का दिन मनाने का फैसला बहुत अहसन इकदाम है। यौमे तकरीब के मौका पे हमें अपने शहदा को याद रखना चाहिए, ठीक है, उनकी कुर्बानियों को कि उन्होंने इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। बस अल्लाह ताला इस तरह के मायनाज बेटे सभी को अता करे। असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर और उनकी टीम ने मुल्को कौम के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा मेजर मोहम्मद साकिब आवान शहीद, लांस नायक अल्लाह दित्ता शहीद, हेड कांस्टेबल अहमद यार शहीद और तहसील भर शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। शहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें भी चढ़ाई, फातिहा खाने भी की। जी जिस तरह शहदा की फैमिलीज ने भी बताया, हमें शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। इनकी इज्जत हमारे लिए मोहतरम है और हमें हमेशा इनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। अपने मुल्क के लिए जो लोग कुर्बानियाँ देते हैं, बॉर्डर्स पे खड़े हैं, हर जगह पर हमारे मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, तो हमें इनकी कुर्बानियों को यूँ रायगा नहीं जाना देना चाहिए और इनकी इज्जत हमारे लिए सबसे मोहतरम है। शहदा की फैमिलीज का जज्बा काबिले कद्र है। रेस्क्यू 1122 के दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शहीद जो है वो जिंदा है, उनको ये ना समझें कि वो चले गए हैं जी। तो एक वैसे भी शेर भी है कि शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। एक वैसे भी मुझे दौरान ट्रेनिंग जो है ना वो बताया गया था कि लोगों के लिए स्लीप टाइट वही अवेक। तो यही एक जज्बा होना चाहिए कि हम जाग रहे हैं और आपके लिए हमने अम्मा बरकरार रखने के लिए जाग रहे हैं। तो माशाल्लाह ये शहीदों की कुर्बानी है, इनको याद रखना चाहिए। कुर्बानी का जज्बा मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। शहीद बज़ाहिर दुनिया से चला जाता है मगर वो हमेशा जिंदा रहता है और अल्लाह के हाँ अपने हिस्से का रिज़्क पाता है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। अगर शहीद जो हम चाह रहे हैं कि इस दुनिया फानी से चले गए हैं, ऐसा नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। और आज जो हम एक इस जिंदा फिजा के अंदर जिंदा हम सांस ले रहे हैं और हम अपनी शख्सी आज़ादी के साथ इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी जी रहे हैं और इसके साथ जो हम अपनी मजहबी आज़ादी के साथ यहाँ पे आज खड़े हुए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे शहदा की कुर्बानियों की बदौलत है जिस वजह से आज हम खड़े हुए हैं। तो हमें बाशमूल हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को, पाकिस्तानी कौम को, हर बच्चे को इनकी शहादतों को, इनकी जाम शहादत की जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इनको सराहना चाहिए। ना कि 9 मई की तरह आप एक तरफ से उठ खड़े हुए हैं और आप बाहर का एजेंडा, दुश्मन एजेंडा लेकर खड़े हो चुके हैं और आप हमारे शहीदों के ऊपर वो वार करवा रहे हैं जो आपसे हमारा दुश्मन बुन करवाना चाह रहा है। तो लिहाजा हम उसकी 9 मई के हवाले से पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अपनी पाक आर्मी, पाक अफवाज पाकिस्तान की जितनी भी तीनों विंग्स हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और हम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी भी रायगा नहीं होने देंगे। यही हमारी कौम का और हमारे मुल्क का कीमती असासा है। हमें अपने मामू की शहादत पर फख्र है। ये मेरे मामू थे, हमें इनसे बहुत ज़्यादा प्यार था और हमें इनके शहादत पर बहुत ज़्यादा फख्र है और मैं भी इंशाल्लाह फौज में जाऊंगा और अपने मुल्क की खिदमत करूंगा। हमने मुल्क के लिए पहले भी कुर्बानी दी और मजीद कुर्बानियां भी देने को तैयार हैं। असी जनाब मुलाकात से कुर्बानियां दे सकते हैं ते भाई दी असी फौजी ते फख्र भी कर रहे हैं। जिंदा कौमें अपने शहदा की कुर्बानी पर फख्र करती हैं और उनके नक्शे कदम पर चलना सआदत समझती हैं। कैमरा टीम के साथ राणा मोहम्मद बूटा सनियारा, भवाना न्यूज़।